हाय गाइस, मैं मनीष पासवान और मैं आप सभी का हमारे चैनल मनीष सर्विस सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी कैपेसिटर को केवल एक मल्टीमीटर के सहायता से कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारा अलग अलग कैपेसिटर है, एक वॉशिंग मशीन का है, फैन का है, फ्रिज का है, ये भी फ्रिज का है और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन का है। तो चलिए अब हम सीखते हैं किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कैपेसिटेंस में सेट कर लेंगे। ये देखिए, कर लिए हम। और अब इसमें थोड़ा लाइट जला लेते ताकि आप लोग को दिख जाए आसानी से। और इसे हम कैपेसिटेंस में सेट करेंगे। ये देखिए NF लिखा हुआ आ गया है, मतलब माइक्रोफेरेड। इसमें कैपेसिटर हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 9UF का है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। इसमें आपका 8.7 दिखा रहा है, ये थोड़ा वीक हो चुका है बट चलेगा इतना। अब हम दूसरा चेक करते हैं, ये 5UF का है। ये सैमसंग फ्रिज में रिले में जो लगा हुआ रहता है वो कैपेसिटर है दोस्तों। और ये है आपका 5.09, मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। और ये है 4UF का, यह एसी के आउटडोर के फैन मोटर में लगा होता है। ये है आपका 4.1, ये भी बिल्कुल सही कैपेसिटर है दोस्तों। ये सीलिंग फैन का कैपेसिटर है, इसे भी चेक करना सीख लेते हैं। ये है आपका 2.5 MFD। और ये दिखा रहा है आपका 2.6 MFD, मतलब ये कैपेसिटर भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम वॉशिंग मशीन का चेक करेंगे जो सेमी ऑटोमेटिक में लगा रहता है, 10+5। 10 वॉश मोटर के लिए होता है। इसमें 10 कैपेसिटर है दोस्तों, रेड और ब्लू वायर। तो ये देख सकते हैं आप, 10.05 दिखा रहा है, मतलब ये कैपेसिटर भी बिल्कुल सही है। और 5 में है आपका व्हाइट एंड येलो। ये देखिए 5.5 दिखा रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही कैपेसिटर है। अगर किसी का लिखा हुआ वैल्यू से कम दिखाए तो वो कैपेसिटर खराब माना जाएगा, या कभी कभी ज्यादा भी दिखा देता है। जैसे 10 लिखा हुआ है तो 50-100 ये दिखा देता है, गलत दिखाता है दोस्तों वो, तो वो खराब रहता है। इस तरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं।